Hello students, I am Piggy Giri. Students, today I will teach you percentage. Okay? Percentage. Students, per means percentage. So per means every. Per means every. Okay? Or cent means 100. Okay? Percentage. पर मीन्स क्या होता है एवरी और सेंट मीन्स क्या होता है 100. ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज और परसेंट. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन राइट सिंबल परसेंट. ओके, यूजेस ऑफ रियल लाइफ. स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज होता है. यूजेस ऑफ रियल लाइफ मार्क्स. As for example, suppose 80%. Okay, second number, discounts in shops. जैसे shops में जाते हैं और कोई भी सामान खरीदते हैं तो बोला जाता है कि 20% discount है. तो we can write students 20%. Okay. इंटरेस्ट बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स. बैंक में इंटरेस्ट लेने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. जैसे बोला जाता है 8% हम आपको लेंगे इसकी ब्याज. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कन्वर्सन. I will teach you conversion. Conversion of fraction into percentage. Percentage. Okay, students. Type 1. Students. Type 1 example, 56 by 100. How can you write? The 56% is 69 by 100. We can write students 69%. Okay, type 2. Okay, type 2 fraction, 3 by 4. Students, ye kya hai? Fraction hai. और इस तरह की फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस. क्यों बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस? क्योंकि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है? बिगर होता है, बड़ा होता है. इसलिए स्टूडेंट्स इस तरीके की फ्रैक्शन रहेगा और हमें परसेंटेज निकालनी है तो आपको करना क्या है, इस डिनोमिनेटर से 100 को डिवाइड करना है. तो 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 से ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको. ओके, तो 3 25 3 75 75 by 100. ओके, बाय 100. स्टूडेंट्स वी कैन राइट 75%. ओके, सपोज 1 by 2 फ्रैक्शंस है ये. तो 1 by 2 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है ना. तो 1 by 2 आपको क्या करना है, 2 से 100 को डिवीज़न देनी है तो 50 होगा. और उस 50 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देनी है. तो क्या होगा, 50 by 100. तो वी कैन राइट 50%. ओके, टाइप 3. Type
थ्री, ओके टाइप थ्री, थ्री बाय एट, तो थ्री बाय एट, ये एट जो है एट से हंड्रेड डिवीज़न नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना है आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 300 हो जाएगा, ओके। अब बाई एट स्टूडेंट्स, इस हंड्रेड को आप परसेंट लिख सकते हैं, ओके। टाइप फोर स्टूडेंट्स, 2, 7, 16, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यदि इनका परसेंटेज हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 16 2 32, 7 39/16। अब क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100/100, ओके। तो क्या होगा, 3900/16। इसको भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे इस 100 को परसेंट लिख सकते हैं, इसको हम डिवीज़न भी दे सकते हैं, तो 16 2 32, फिर 4, फिर 3.75, ओके परसेंटेज, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।